Hi and assalamu alaikum. I'm back with lecture 4 of gender studies. If these lecture series are proving helpful to you, don't forget to like, subscribe and share this channel with your friends. Now without further ado, let us continue with our topic. आज हम फोर्थ सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट पे बेस कर रहा है. फेमिनिस्ट मूवमेंट में सबसे पहले हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करेंगे. तो फेमिनिज्म के साथ जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि मिड अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर अब तक उसकी आइडियोलॉजी और फिलोसफी चेंज होती रही है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, उसको हम तीन पर्टिकुलर वेव्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि और उन वेव्स को हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गोल्स और मैकेनिज्म्स जो उनके अंदर अडॉप्ट किए गए थे. तो अब हम फेमिनिज्म की वेव्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, हम कह सकते हैं कि इट इमर्ज्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और उसके अंदर जो हम लोग एक कहते हैं ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को हम कह सकते हैं, या हम उनको कह सकते हैं लीडर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिज्म, उनकी जो बुक थी द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792 में उन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मर्दों और औरतों को बराबर हकूक होने चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि दोनों इंसान हैं. तो इस आइडियोलॉजी, इस पर्सपेक्टिव को लेते हुए ये वेव जो है वो इमर्ज हुई इन द 19th सेंचुरी, जब औरतें जो थी, एक्चुअली जो मर्द थे यूएस के अंदर, वो हेजिटेंट हो गए शादी करने से, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेम सेक्स के लोग थे वो ज़रा क्लोज आए, औरतें करीब आएँ, तो फिर जो एम था टू गेट द राइट्स वो पॉलिटिकल हो गया. और इसके अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसको सफ्रेजिस्ट मूवमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो है राइट्स मांगे गए थे, राइट टू वोट मांगा गया था औरतों के लिए. 1920 के अंदर 20th अमेंडमेंट जो है वो अमेरिका में रेटिफाई हुई थी, जिसके थ्रू वुमेन ने सिक्योर कर लिया था राइट टू वोट. अगर हम सफ्रेजिस्ट मूवमेंट की बात करें, तो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट जो है इट स्टार्टेड अलॉन्ग विद अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है. और अबॉलिशनिस्ट जो थे वो सपोर्टर थे डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट, इसको हम डिक्लेरेशन ऑफ सेनेका फॉल भी कह सकते हैं. ये एक फर्स्ट कन्वेंशन थी वुमेन राइट के लिए, जिसने एडवोकेट किया था इन 1848, और इसके अंदर जो है मर्द भी थे और औरतें भी थी जिन्होंने सिग्नेचर किया था, और इसके अंदर ज़्यादातर जो थे ब्लैक मैन जो थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, जैसे कि फ्रेडरिक डॉगलस जो थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था. एंड सेकेंडली, बहुत मशहूर स्पीच थी एंड अ वुमेन से जॉन ट्रुथ की, उन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया था. लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मसला यहाँ पे आया कि जब 15th अमेंडमेंट पास हो रही थी, तो जो औरतें थी यानी जो सफ्रेजिटीज थी उन्होंने इख्तलाफ किया इस बात से, और जो एंथनी बी सूजन थी उनका बड़ा फेमस सेइंग है कि आई वुड रेदर कट ऑफ माई राइट आर्म देन टू वर्क फॉर और डिमांड द बैलेट फॉर अ नीग्रो. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पूरी जो वेव थी उसके अंदर एक रेशियल कॉम्प्लेक्स था, यानी कि एक पर्टिकुलर जो एक कैटेगरी थी, पर्टिकुलर जो औरतें थी उनके बारे में बात की जा रही थी, वाइट एलीट क्लास वुमेन. अगर इसकी अचीवमेंट्स की बात करें, तो अचीवमेंट्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली राइट टू वोट, ठीक है. देन एजुकेशन के बारे में इसने बात की, एजुकेशन, हायर एजुकेशन को वुमेन को एक्सेस दिया, वाइडन की जो एक्सेस टू प्रोफेशन थी, मेडिसिन में औरतें फर्स्ट टाइम आए. इसके अलावा प्रॉपर्टी, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1870 में पास हुआ, जिसके थ्रू औरतें जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती थी. ये तो इसने लीगल पॉलिटिकल राइट्स जो हैं अचीव कर लिए. तो हम देख सकते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स जो थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहे. इसकी लिमिटेशन यही थी कि इससे ज़्यादा एजुकेशन और जो लीगल राइट्स हैं सिर्फ उनकी बात की, बाकी औरतों के मसाइल को इसने नहीं छेड़ा. दूसरी बात ये है कि इसने बाकी क्लासेस, बाकी कलर, बाकी एथनिसिटी की औरतों को अपने अंदर एनकैम्पस नहीं किया, ठीक है. और ये लिमिटेड थी इसको, और जब इसने अपने जो राइट्स इसने मांगे थे, जब वन दे अचीव दीज, तो फिर ये मूवमेंट जो है ये बिल्कुल साइडलाइन हो गई थी, और दूसरी जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी वो सामने आ गई थी. अब अगर हम बात करें ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो सिविल वॉर, सिविल राइट मूवमेंट जो थी उसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रीकर्सर्स थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में औरतों को बिल्कुल लाइक उन्होंने भी, औरतों ने बहुत सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उनको इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, रिकग्नाइज नहीं किया जाता था जैसे कि मर्दों को किया जा रहा था. तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसने औरतों को एनकरेज किया कि दे मस्ट कम आउट, और वो
हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर इक्वल राइट्स के लिए फाइट करें। जो फर्स्ट वेव थी वो सिर्फ लीगल राइट्स की बात करती थी, लेकिन इसमें हर एस्पेक्ट यानी पूरे कल्चर की बात हो रही है, उसमें वुमेन बराबर है मर्द के। इसकी अगर हम फेमस राइटर्स की बात करें तो साइमन डे बेवियर की बुक जो है द सेकंड सेक्स, और इसके अलावा जो बेटी फ्राइडन है उनकी बुक जो है द फेमिनिन मिस्टीक, इन दो बुक्स ने जो है इस सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया। फिर बाय द टाइम ऑफ 1960 जो फेमिनिस्ट थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक तो इक्वल राइट फेमिनिस्ट थे और दूसरे रेडिकल फेमिनिस्ट थे। इक्वल राइट फेमिनिस्ट जो थे वो एक्चुअली टॉक करते थे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के बारे में वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे दे वॉन्टेड अ मोर रेडिकल शिफ्ट, रेडिकल चेंज हो जाते थे, यानी कि दे टॉक्ड अबाउट लिटरल फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, जिसके अंदर वो कहते थे कि जो जेंडर रोल्स हैं इनको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कम्प्लीटली, ताकि औरतें और मर्द जो है वह बराबर आ सके। तो फिर क्या, फिर ऐसा हुआ कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल जो फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट थे उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो जो लेस्बियन थे उनके एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं थे, ठीक है। अब इसी तरह जो इक्वलाइट फेमिनिस्ट थे वो ज़्यादातर कौन थी, वाइट वुमेन थी एलीट क्लास की, और जो रेडिकल थी वो ज़्यादातर मिडिल क्लास वुमेन थी। अब इसके अगर कुछ वुमेन्स की बात करें तो इसमें यह हुआ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन के थ्रू। इसके अलावा औरतों के लिए डिवोर्स राइट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया था, और राइट टू अबॉर्शन दे दिया गया था, और फिर ग्रोइंग नंबर ऑफ वुमेन जो थी वो पॉलिटिकल ऑफिस भी रन करने लग गई थी। इसके अलावा वुमेन की तरफ जो एटीट्यूड था वो सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ थोड़ा बहुत, औरतों का समझा जाने लगा कि ये घर से निकल के बाहर भी काम कर सकती हैं, और जेंडर रोल्स हल्के थोड़ा बहुत सबवर्ट हो गए थे। फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया तो वो यही था कि इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर क्लास की बात की गई है, सारी वुमेन जो हैं वो इसके उनके बारे में बात नहीं की गई। जो ब्लैक वुमेन थी उनके मसाइल को वाइट वुमेन के मसाइल से अलग नहीं समझा गया, तो और उनको ज़्यादा रियलाइज भी नहीं किया गया, रिकग्नाइज भी नहीं किया गया। तो इसकी वजह से जो है दोबारा थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी वो 1990s के अंदर शुरू हो गई। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर तीन मेजर बातें थी। पहली बात तो ये थी कि इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय एकेडमिक क्रिटिसिज्म, यानी कि वो कहते थे कि आप जो लिटरेचर पढ़ा रहे हो ये बिल्कुल आउटडेटेड है, अब जो है दुनिया बदल गई है, माशरा बदल गया है, अब क्वेयर लोग आ गए हैं, लेस्बियन हैं, LGBTQ थ्योरी है, सब कुछ है, तो जो खाली वुमेन हैं आप उनको एक बात क्यों कर रहे हो, यू नीड टू टॉक अबाउट ओल्ड जेंडर्स, ठीक है। वो जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट की यू नो यहाँ से बात शुरू हो गई थी, एंड वो नए जो है आप जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट करें, नए आप कोई आइडेंटिटी या लेबल ना लगाएं, हर बंदे का आइडेंटिटी लेबल जो है वो टाइम चेंज होता रहता है, तो इनके ऐसे डिमांड थे। सेकेंडली जो इसको अलग करती है वो ये कि ये वाहिद थर्ड वेव फेमिनिज्म जो थी इसने इंटरसेक्शनल इंटरसेक्शनैलिटी को भी एग्जामिन किया था। कैसे एग्जामिन किया था कि इसने रियलाइज किया कि जो ब्लैक होते हैं दे आर मच मोर ऑप्रेस्ड इन मेनी डिफरेंट वेज रदर देन द वाइट वुमेन, ठीक है। तो हर औरत के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके मसाइल को इन्होंने देखा। अब जो ये इंटरसेक्शनैलिटी थी ये फर्स्ट वेव्स में नहीं देखी गई थी, ये सिर्फ थर्ड वेव में रिकग्नाइज की गई थी, और ये भी रिकग्नाइज किया था कि जो पहली दो वेव्स थी वो सिर्फ वेस्टर्न वाइट मिडिल एज वर्किंग क्लास वुमेन के बारे में बात करती है। मैं अगर अच्छा कर थर्ड वेव के जो थर्ड पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इट रिक्लेम्स ट्रेडिशनल सेक्स सिस्टम है, जिस यानी कि वुमेन के रोल को, वुमेन के जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट को ये रीडिफाइन करता है। अब जैसे कि मैडोना और क्वीन लतीफा के अगर एग्जांपल लें तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वुमेन जो है वो डोमिनेटिंग और पावरफुल पोजीशन के अंदर हो सकती है, रदर देन जस्ट बीइंग शाय एंड पैसिव। तो इसके अलावा जो हमारे पास इवेंट्स थे उनका एक लेख था वर्जिना मोनोलॉग्स, उसने वर्ड वर्जिना को पुश किया पॉपुलर कल्चर के अंदर, और इस वेव को गर्ल फेमिनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि ये एम्पावर किया इसने औरतों को कि वो अपनी ब्यूटी को खुद डिफाइन करें रदर देन जस्ट बीइंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बाय द मेन। तो अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे ऑब्वियसली, उसके अंदर ऑटो क्रिटिसिज्म ये आया कि जो वर्जिना मोनोलॉग था उसने औरत को सिर्फ एक औरत बीइंग अ वुमन बिकेम इक्वल टू जस्ट हैविंग अ वजीना, ठीक है, इसलिए जो ट्रांस आइडेंटिटीज थी ना उनको इनवैलिडेट कर दिया था। अब ये जो सिसजेंडर की वुमेन थी उनके लिए तो ये अच्छा था, बेनिफिट कर रहा था, लेकिन जो ट्रांसजेंडर थे उनके डेवलपमेंट को उसने स्टिफल कर दिया था।
इन वजूहात की वजह पे और इस क्रिटिसिज्म की वजह से फिर हमारे पास जो है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म अराइज हुई। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो उसको कम्प्लीटली हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सेपरेट है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जो इसका मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो फेमिनिस्ट हैं वो ज़्यादा पब्लिकली डिस्कस करती हैं ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और फोर्थ वेव फेमिनिज्म की जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट्स जो चली, सेक्सुअल असॉल्ट अवेयरनेस और स्लट वॉक्स मूवमेंट जो चली। बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट की बात ये थी कि सारी औरतें चाहे वो पतली हैं, मोटी हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, व्हाटएवर, दे शुड फील पॉजिटिव अबाउट देयर बॉडी, दे शुड बी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। और सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल असॉल्ट अवेयरनेस भी राइज की गई और सोशल मीडिया जिसके अंदर बताया गया कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, सेक्सुअल वायलेंस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और स्लट वॉक्स इज लाइक अगर किसी बंदी का रेप हुआ है तो यू स्टार्ट ब्लेमिंग देम कि ऐसे ऐसा किया होगा, ऐसे ऐसा किया होगा, तो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। स्लट शेमिंग और सेक्सुअल विक्टिम्स हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, ये स्लट वॉक्स एस्पायर में बात कर रही थी। दूसरा सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का वो ये है कि वो सोशल मीडिया और ओवर द इंटरनेट के से कॉल आउट कल्चर उसने क्रिएट किया, ठीक है। इसकी जो सबसे ज़्यादा रीसेंट एग्जाम्पल है वो हम मी टू मूवमेंट में देखते हैं, जिसके अंदर औरतों के फेमिनिज्म के जितने भी इश्यूज थे उनको कैसे राइज किया गया और कैसे उनको एक्नॉलेज किया गया। सो दिस वॉज अबाउट द वेज ऑफ फेमिनिज्म। एंड अगर आपको कोई मसला है, कुछ यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो डू कमेंट और हम आपके इश्यूज सॉल्व कर देंगे। Thank you.